अरे हो जाएगा, अरे सब यही बोलते हैं यार, हमारे साथ तो वो जा रहा, हमारे साथ तो ये जा रहा, पागल है, मार तो मत। हाँ तो मैं अपने भाई से मिला, क्या क्या प्याज की बदबू आ रही है, तो हम बना लेंगे, आप खाना बना के बढ़िया सा उल्लू बनाने के लिए है बना दे, है ना, सही में और खाते तो वो गेटर के मुंह में डाल देता हूं पापा, लेकिन वैसा ही रहेगा पापा, कल आपको डेवलप होगा। ओ ओ भाई कॉबिन जो पच्ची ये दो के ले दो, हां दे दो, कुछ भी यूज कर रहा हो, तौली है, पापा कह रहे ले आई, हां दे दो मम्मी। अभी चल रहा है यहां पे भिंडी काटने का काम, भिंडिया कट रही है और मैं इंजॉय कर रही हूँ चाय, और मम्मी ने रख दिए हैं ये काले वाले चने बॉईल होने के लिए, और गोलू भी अभी आने वाला होगा, मौसा जी और भी निकल गए हैं वहां से, और मम्मी कर रही है पूजा, ये देखो जी, जय माता दी, जय माता दी। साथ के साथ मेरा मौसी के साथ जाने का भी मन कर रहा है देहरादून, तो अबे बंद हो। तो गाइस साथ के साथ मैं सोच रही हूँ मौसी के साथ जाऊं या ना जाऊं देहरादून, तो देखते हैं जो भी प्लान होगा, क्योंकि मौसी और आ भी रखे हैं, तो मैं सोच रही हूँ चली जाती हूँ, लेकिन दिक्कत मन कर भी रहा है और मन ये भी नहीं कर रहा, एक मन ये भी कर रहा है कि मामी और यूवी से तो मिल लिए थे अभी, अभी क्या है ये सीटी आती है, हैं? अरे वहां ना जाओ फिर लाइट्स का, मैं उससे हाँ तो मैं मिली नहीं थी काना राजा से काफी टाइम से, काफी क्या मौसी जनवरी में तो मिले थे, अरे अभी नहीं तो बात है, जस्ट एक मम्मी उसी से गई थी पटेल जस्ट, ये फरवरी किसे काना राजा, हाँ किसी जनवरी में मिले थे ना, एक दो तारीख को जनवरी, हाँ हाँ पर फिर भी मिले नहीं, अच्छा वो लोग आ भी रहे हैं ना, अरे क्या है यार ये सीटी ने परेशान कर दिया, अच्छी भाई धुरो, तो अब देखते हैं जो भी प्लान होगा, मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, तो जैसा भी होगा आप लोगों को ब्लॉग में पता चली जाएगा, तो जाएगी जाएगी हैं, आने के लिए कोई है साधन, वैसे आने का साधन तो हो जाता है, देहरादून से दिल्ली आना इतना मुश्किल नहीं है, कौन आएगा, बहुत लोग हो जाते, अरे हमें नहीं मिलता कोई भी, बहुत सिर्फ मौसा जी, मौसा जी तो आएंगे नहीं 3 महीने से पहले, और कोई मेरे को नहीं लगता कोई साधन है, अरे हो जाएगा, अरे सब यही बोलते हैं यार, हमारे साथ तो वो जा रहा, हमारे साथ तो ये जा रहा, मैंने दो तीन जगह नोटिस कर, ए इतनी दूर नहीं आना मेरे को, हाँ भाभी भी कह रही थी 12-15 को मैंने भी जाना है, देखते हैं, गोलू आ चुका है गाइस, हैं अब पता नहीं भाई, गाना आ गया, हाय गाइस, पागल है, हाय गाइस, और हम लोग पागल है, मार तो मत, मैं तेरे गले मिल रही हूँ, बहुत दिनों बाद मिली, हाँ तो मैं अपने भाई से मिला, क्या खा क्या है, प्याज की बदबू आ रही है, जल्दी बता क्या खाया है, दिन में प्याज खाई थी, हाँ अभी भी आ रही है, हाँ गोलू क्या बनाया है, क्या बोल रहे, फिर की लेने के लिए मजे लेता है ना, है क्या बनाया, वो देख ले मौसी ने, मौसी क्या बनाती है, कुछ नहीं आता, शुरू हो गया मजे, हमें उल्लू बनाना आता है, उल्लू तो हम बना लेंगे, आप खाना बना के बढ़िया सा, उल्लू बनाने के लिए है, बना दे, क्या बनाए बताओ मौसी, क्या ये बोलो ना, चलो तुम्हारे घर आए तब भी हम ही बनाए, हैं हमारे घर आए तब भी हम बनाए, हमारे घर आने की हो गया ना, गोलू ने ऑर्डर सही लगा रखा, गोलू का उधर वाला सबसे महंगा, फिर गोलू का इधर वाला थोड़ा नॉर्मल, फिर मौसी का थोड़ा सा, मतलब इससे गाइस आपको पता लगता है कि हमारी मौसी सस्ते कपड़े पहनती है, सस्ते कपड़े सस्ते जूते, और एक और चीज आपको बता दूं, जो इसके अंदर तुमने मेरे को गुलाब जामुन दिए थे, इसमें से लहसुन की बदबू क्यों आ रही थी, मम्मी ने लहसुन तो नहीं रख के दिए, हां मैं खिला रहा था और एक ने कहा कि यार इससे स्मेल आ रही है, मैंने छोड़ फिर रख दे आगे तक बात नहीं हुआ, मम्मी भी पूजा कर रही है, मम्मी ने जरूर गुलाब जामुन में लहसुन रख के दी होगी, मीठे में लहसुन रखते हैं, कहा उससे बदबू सी आ रही थी, है ना, चलो आपको भी खिलाते हैं यहाँ पे भी भर में, अबे यहाँ मजा नहीं है, वो जो बस इनका तो यही है घर के अंदर प्लेट, और क्या वहाँ भयंकर जाओ इतनी दूर, यहाँ तो मौसी पता है क्या वो करते टोकन वोकन पता नहीं क्या गेट से, कि बंदा अंदर आएगा तब वो आएगा, बेचारा कौन आएगा ऐसे,
इतना वो खाते तभी तो देख आलस देख लो आलस तभी तो कि गेट तक आता था वो देने वो गेट तक का तीन चार चीज खा लेते बस एक महीना और आते तो गेट से मुंह में डाल देता गोलगप्पा लेकिन लो हियर गोलगप्पा पलातपुर में पलातपुर में मजा तो आता था और वो कुलचे वाला अरे भाई हाँ सुबह सुबह छोले मैक्सी वाला अरे अरे कोई भाई यहाँ पे तो भयंकर वो भी नहीं आता चेन लगाने के लिए उसे पता नहीं पास बनाना पड़ता है पास बनाना पड़ता है उसे पीछे से जाओ सुबह 7 बजे ही कबाड़े अब मेरा तो ये काम है कौन से वाला आ रहा है सुबह 7 बजे पापा कबाड़े हर कोई ना कोई तो आता ही रहता था फिर वहाँ अगर वहाँ पे आसपास लोकेशन सही हो जाए तो हम तो वापस चल जाएंगे नहीं भाई हमारी प्रॉपर्टी अपना तो अपना होता है अरे ये तो है लेकिन इधर अभी एक साल हुए क्या ही अपना जो पच्ची ये दोगले दोनों दोगले ये दोगला एक दोगली और दोगले अरे मजा नहीं आता ना शांत में यार मेरे को तो आज तक नहीं बोला किसी ने कहीं नहीं कोई वो लोग तो हमें कुछ बोलते भी नहीं थे एक बात तो ये पहली बार वो बोलते नहीं थे लेकिन मम्मी सबसे ज्यादा परेशान थी और मम्मी को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि वहीं चले जाऊँ हाँ यार बस उससे ही सबसे बुरा था वो पूरा गंद बह के हमारी बगल में बिट्टू है किट्टू हाँ उसने तो नाश मारा था उसने तो नाश मारा हमारी गली का सबसे ज्यादा वैसे पता है अगर बिट्टू भैया ने अपना घर बना लिया होता ना तो वहाँ पे सब बढ़िया होता वहाँ नहीं होती दिक्कत फिर इतनी क्योंकि बंदे बैठते ही नहीं फिर वहाँ पे सुअर का घर बनाओ सच में अरे अब तो मौसी आप देख लोगे ना अब तो बहुत बुरा हाल हो रहा है अरे जो हमारे जो उनकी सीढ़ी जो उनकी खिड़की नहीं थी जो दिखती थी मतलब रोड से दिखती थी खिड़की वो बिट्टू औरों की वो खिड़की टूट चुकी है अब अंदर कोई भी घुस जाता कुछ भी होता रहता है अरे बहुत बुरा है। तो भाई ये देखो गलत टाइम पे मंगा लिया हम लोगों ने सूप विद नूडल्स देखिए अब चाय भी बन रही है इनकी तो समझ नहीं आ रहा चाय पिए या सूप मौसमी से पूछ के आना उनके लिए तो बन रही थी चाय हमारे हमने तो पी ली थी देखो ये होते हैं गढ़वालियों के सूप पियेंगे मैं बंद कर दो अब अच्छा ठीक है यहाँ पर बैठ गए देवता पूजने के लिए मेरे को वो दे दो चाउमीन और चाय मौसा जी सूप आ गया अरे रुको जाओ मौसी के साथ क्या मौसी तो प्लेट्स रख हाँ? पर अब डोंगे में लगातार निकाल जैसे ना रेस्टोरेंट तो नहीं रही है फोन का कैमरा गंदा हो रहा था गाइस फोकस फोकस बीच वाले जने को बिल्कुल होश है सूप सही नहीं हो रहा चौमिन तो चौमिन ले लो मौसा जी अरे लो ना लो मैं देती हूँ थोड़ी सी मौसी कैसे हो रहा है सूप अच्छा सबका अपना अपना ओपिनियन होता है ना आपको कैसा लगा ठीक सूप सब्जी बहुत मोटी है मौसी पिछली बारी भी ऐसी थी है छोटे छोटे थे पहले ना काटे हुए मम्मी चौमिन तुमने बोलना चाय गिर गई कोई नहीं मैं वो कर दूंगी अगली बारी पापा खा लो कुछ खा लो तो गाइस अब ये सब लोग खा रहे हैं चौमिन विद सूप और मैं भी लेती हूँ फिर जल्दी से क्योंकि ठंडा हो जा रहा है पापा खाता नहीं है पापा सूप आया पापा दू सूप अंकल सूप लोगे आप तो गाइस यहाँ पे देखो अभी इसका कुछ काम नहीं है ऑफिस से आके फोन चला के खाना फोन ये देख हाँ दे दो कुछ भी यूज करो तोलिए पापा कह रहे ले आइए हाँ दे दो मम्मी
देख रहे हो क्या काम आएगा सीट में लगाने के ये गाड़ी की सीट में तो हम तोलिया हो गए अरे ये गर्दन होता ना उसे नेक से गंदा होता है इससे काम मंगा देते हैं देख पापा को ऐसा रख देते हैं क्यों वाइट तो होते हैं वाइट तो होते हैं यार हम बस मौसी को ज्यादा माल बन दो देखो 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 आई आई हमने जब से मतलब अभी तक आज तक की बात है डस्टर लिया ही नहीं है सच्ची बताओ इस साल लिया मैंने जब जिया की कुकिंग का था हाँ 10 पीस नहीं तो डस्टर यहीं से नहीं तो डस्टर यहीं गाइस अब सब लोगों ने खा लिया खाना बस लेडीज डिपार्टमेंट बचा है बबली मौसी मैं और मम्मी तो हम लोग ये देखो पूरे गुलाब जामुन और मैंने की केटरिंग के काम भी कर दिया और भाई मेरा पूरा इजी कर दिया है काम ये देखो पूरे बर्तन और एक बारी के लगा भी दिए और इतने बर्तन और धोए थे मौसी ने तो वो लगा भी दिए तो फटाफट से खाते हैं खाना भूख लग रही है बहुत तेज आज बने हैं चने काले चने और भिंडी और फटाफट से खाते हैं फिर खाएंगे मूंग की दाल का हल इज अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली देहरादून और मैं बैग पैक कर रही हूँ मौसी नहा रही है मौसा जी बाहर बैठे हैं और मौसा जी अभी जाएंगे थोड़ी देर पार्क में तब तक बोल रहे हैं कि तुम लोग रेडी हो जाना जब तुम लोग रेडी हो जाओगे तो मेरे को बता देना और यहाँ पे मेरी चल रही है पैकिंग देखो भाई अभी इतना बैग पैक हो चुका है अभी थोड़ा एक दो आइटम्स रखने हैं तो अभी देखते हैं कि मैं मौसी के यहाँ से जाऊँगी बड़ी मम्मी और के यहाँ पे या फिर मतलब आज तो नहीं जाऊँगी आज तो मौसी के यहीं रहूँगी कल जाऊँगी या फिर नहीं जाऊँगी जो भी प्लान होगा वो बताएंगे आपको आगे व्लॉग में तो फिर व्लॉग को स्किप मत करना